ह्यूमन ब्रेस्ट के ऊपर आप ये जो फूल की पंखुड़ियों की तरह संरचना देख रहे हैं, इसे ब्रेस्ट का लोब कहते हैं और हर एक ब्रेस्ट में लगभग 15 से 20 लोब्स पाए जाते हैं। इन्हीं ब्रेस्ट लोब में ही दूध का निर्माण होता है, जो कि इन्फेंट्स के न्यूट्रिशन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। पर ध्यान रहे, एक महिला के अंदर ये लोब्स तब तक पूर्ण रूप से विकसित नहीं हुए होते हैं जब तक वह एक बार प्रेग्नेंट नहीं हो जाती है। एक बार एक लड़की प्रेग्नेंट हुई, प्रेग्नेंट के चौथे हफ्ते में ही फीमेल के ब्रेस्ट में जो लोब्स हैं, इनमें पाए जाने वाले स्टेम सेल्स प्रोलिफरेट होकर बहुत सारे एल्वियोलाई का निर्माण करने लगते हैं, बहुत सारे डक्ट्स का निर्माण होने लगता है इसके वजह से, जिससे मिल्क प्रोड्यूस करने वाले टिश्यू की संख्या बढ़ जाती है प्रेगनेंसी के बाद, जो मिल्क के प्रोडक्शन में बहुत ज्यादा मदद करते हैं। और ये सब कैसे होता है? दरअसल प्रेगनेंसी के दौरान एक महिला के अंदर एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जो इन टिश्यू की बढ़ोतरी में बहुत मदद करता है। प्रेगनेंसी के 16 हफ्ते तक ये टिश्यूज इतने योग्य हो जाते हैं कि ये एक महिला के अंदर दूध का निर्माण कर सके, पर चूंकि प्रेगनेंसी के दौरान प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल बहुत ज्यादा हो जाता है, जो मिल्क के सिंथेसिस के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हार्मोन प्रोलैक्टिन, उनको ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन ब्लॉक करने लगता है। इसीलिए प्रेगनेंसी तक तो महिला के अंदर दूध का निर्माण नहीं होता है, पर कुछ महिलाओं के अंदर जब उनके डिलीवरी का टाइम आने लगता है तब से ही उनमें दूध का निर्माण होना शुरू हो जाता है। पर जैसे ही एक महिला बच्चे को जन्म देती है, उसके तुरंत बाद ही प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल कम हो जाता है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हार्मोन जो दूध के निर्माण में सबसे ज्यादा जरूरी है, प्रोलैक्टिन, उसका सिक्रेशन बहुत ही तेजी से होने लगता है। देखिए क्या होता है, डिलीवरी के बाद जैसे ही बेबी अपने माँ का दूध पीने के लिए निप्पल को सक करता है, तो सकिंग रिफ्लेक्स के वजह से निप्पल में मौजूद नर्व एंडिंग के रिसेप्टर वो जाकर सीधे ट्रिक कर देते हैं हाइपोथैलेमस को, और हाइपोथैलेमस स्टिमुलेट करता है पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर रीजन को प्रोलैक्टिन हार्मोन रिलीज करने के लिए। ये प्रोलैक्टिन हार्मोन जैसे ही ब्रेस्ट के इन एल्वियोलाई पर अपना काम करना शुरू करेगा, ये टिश्यूज माँ के स्तन में दूध का निर्माण करने लगते हैं, यानी मिल्क का सिंथेसिस होने लगता है, मेनली फैट ग्लोब्यूल्स के रूप में, जिसमें कार्बोहाइड्रेट, इलेक्ट्रोलाइट्स, प्रोटीन वगैरह जैसी चीजें भी होती हैं। देखिए, बेबी के निप्पल को सक करने की वजह से ऐसा नहीं है कि केवल प्रोलैक्टिन हार्मोन ही रिलीज होता है, बल्कि पिट्यूटरी ग्लैंड के पोस्टीरियर रीजन में ऑक्सीटोसिन नाम का हार्मोन भी, जो कि इन्हीं एल्वियोलाई के ऊपर जो मायो एपिथेलियल सेल्स होते हैं उन्हें ट्रिक करता है स्क्वीज होने के लिए, जिससे इन्हीं डक्ट्स में मौजूद मिल्क पुश होकर धीरे धीरे निप्पल के थ्रू बाहर निकलने लगता है और बेबी के टंग के मूवमेंट की वजह से वो दूध को पी पाता है। देखिए, एक माँ के स्तन में जो पहला दूध आता है बच्चे के जन्म के समय या डिलीवरी से कुछ दिन पहले ही, उसे कोलोस्ट्रम कहते हैं। ये बहुत ही स्पेशल किस्म का दूध होता है, जिसमें बहुत सारे इम्यूनोग्लोबिन होते हैं जो माँ से बच्चे में ट्रांसफर होते हैं, जो बच्चे को किसी भी प्रकार के इन्फेक्शन से बचाते हैं। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चे के लिए। कोलोस्ट्रम के बाद से ही मैच्योर मिल्क का बनना शुरू होता है माँ के अंदर, जनरली बच्चे की डिलीवरी के बाद से। और ये जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन है जो मिल्क को बाहर सीक्रेट करने के लिए प्रेरित करता है, वो माँ के गर्भ को इन्वोल्यूट करने में भी मदद करता है, यानी माँ के गर्भ को दोबारा से सिकोड़ने में, दोबारा से अपने पुराने पोजीशन में लाने में ये हार्मोन मदद भी करता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ये सब बातें समझ गए होंगे। आप अपनी प्रतिक्रिया देना बिल्कुल मत भूलिएगा इस वीडियो पर।